ऑलराइट गाइस, तो मेरे सामने है सीबी RS 350। होंडा की गाड़ी में थंब महसूस हो रहा है मुझे। अब देखो पिकअप, तो गाइस कैसे हो आप लोग? बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के बाद मैंने कैमरे को हाथ लगाया और वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस बीच बहुत सारी चीज़ें भी थी, तो अभी आज का प्लान कुछ ऐसा है कि बहुत दिनों बाद कैमरा उठाया तो कुछ स्पेशल ज़रूर होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, तो फाइनली आई हैव रीच्ड होंडा बिग विंग झारखंड ब्रांच, मतलब ईस्ट ब्रांच में इकलौता बिग विंग है यहाँ पे। और आपको कोई भी एक्सपेंसिव बाइक चाहिए तो जो होंडा की बाइक चाहिए तो आपको यहाँ से ही लेनी पड़ेगी। 300 cc से ऊपर वाली सारी बाइक्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो शोरूम है यहाँ पे आपको बाइक आप खरीद सकते हो सेल से, और सर्विसिंग भी यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में आपको होम सर्विस चाहिए तो वो भी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो पहले चलते हैं आगे, उसके बाद और भी देखते हैं कौन कौन सी बाइक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो गाइज बेसिकली यहाँ पे अभी 3 मॉडल्स अवेलेबल हैं। हाइनेस के 3 मॉडल्स हैं, एक बेस मॉडल है एंड दूसरा टॉप मॉडल हाइनेस CB 350 एंड दिस इज़ द 3rd मॉडल। तो ये तीनों मॉडल्स अभी अवेलेबल हैं यहाँ पे शोरूम में। और अभी हम लोग जाएंगे एक टेस्ट राइड लेने के लिए ऑसम सी हाइनेस 350 RS की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइज, तो मेरे सामने है सी बी RS 350, यहाँ पे उसकी बैजिंग है और हम लोग लेने वाले हैं इसकी टेस्ट राइड। और इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर तो बड़ा सिंपल, नीट एंड ऑसम लग रहा है। तो अब मैं वेट नहीं करूँगा, सीधा स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्ट राइड। ओके, सीट हाइट ठीक है हम शॉर्ट लोगों के लिए। ओह, हम तो सुन लो, भाई साहब होंडा की गाड़ी में थंब महसूस हो रहा है मुझे, मतलब होंडा का बुलेट चला रहा हूँ मैं। जस्ट किडिंग, थंब तो बिल्कुल महसूस हो रही है इस गाड़ी की। और पिकअप भी बहुत अच्छी है, हैंडलिंग में देख लेते हैं, हैंडलिंग बहुत अच्छी है। और कंफर्ट, भाई साहब कंफर्ट तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे कंफर्ट है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं खेलगांव। यहाँ से खेलगांव में थोड़ा सा ट्रैफिक कम मिलेगा और हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बाइक को रिव्यू कर पाएंगे। ओहो, हैंडलिंग ऑसम है गाड़ी की। अभी इको मोड पे हम लोग चल रहे हैं। ये पहली गाड़ी जिसमें ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है, मतलब थंब, पिकअप एंड कंट्रोल, आराम से बैठ जाओ। बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। अभी मैं शोरूम में था तो वहाँ पे रमन जी का कहना था कि इस गाड़ी में आप लॉन्ग रूट, लॉन्ग राइड्स आराम से कर सकते हो, 300 किलोमीटर ईजिली कर सकते हो, कोई पता भी नहीं पड़ेगा। और मुझे ये बिल्कुल महसूस हो रहा है, इसका जो हैंडल बार है बिल्कुल वाइड है, आप बिल्कुल आराम से बैठ सकते हो। और बाइक की जो हाइट है थोड़ी सी ऊँची है, सो मेरी हाइट अराउंड 5'5" 5'6" है। सो मेरी हाइट वालों को, मेरे से ऊपर हाइट वालों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है बट ज़रूरी है लॉन्ग राइड्स ये सब के लिए। ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन से प्रॉब्लम हो सकती है। ये आ गया हिल खेलगांव का एरिया, यहाँ से राइट टर्न लेना है। अब देखो पिकअप,
ये इंडिकेटर हो गया, ये हॉर्न हो गया, और इंजन किल स्विच यहाँ पे है। थम सुनिए, यहाँ पे गियर इंडिकेटर भी है, तो गियर भी इंडिकेशन हो रही है। ओहो, कंट्रोल के मामले में तो उस गाड़ी का जवाब नहीं है। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ खेलगांव वाले एरिया में, बाइक पीछे लगी हुई है। गाइस मैंने बाइक को बहुत अच्छे से चलाया है, मतलब शोरूम से लेके यहाँ तक मैंने गाड़ी को चलाई है। ट्रस्ट मी गाइस, इस गाड़ी में जो कंफर्ट है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी कि गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है, यू गॉट टू गिव इट अ थम्स अप। ऑल राइट गाइज, दिस इज़ द बाइक और दिस इज़ होंडा CB350 RS। और अभी मैं इसको जस्ट छोटी सी मैंने टेस्ट राइड ली इस गाड़ी की, और चलाने में तो गाड़ी आफत है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप ऑन करते हो, एक ब्यूटीफुल सा सिंगल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसमें स्पीडोमीटर दिखता है, छोटा सा डिजिटल वाला सेक्शन है, डिजिटल मीटर यहाँ पे छोटा सा। यहाँ पे आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डिजिटल सेक्शन है, यहाँ पे टाइम एंड गियर मिल जाता है, गियर इंडिकेटर है, फ्यूल इंडिकेटर है, किलोमीटर। यहाँ से आप ट्रिप या ट्रिप भी वगैरह सेट कर सकते हो। स्पीडोमीटर है यहाँ पे, टैकोमीटर है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप जो हाईलाइट्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कौन कौन से स्पोर्ट मोड है। यहाँ पे स्पोर्ट मोड इको मोड, सिर्फ इको मोड है, एक ही मोड आता है। तो इसमें एक ही मोड आता है, ये इको मोड यहाँ पे हाईलाइट होगी, यहाँ पे जो ग्रीन इको मोड है यहाँ पे। ये इंजन इंडिकेटर है, ABS इंडिकेटर है, और ये सारे कौन सा इंडिकेटर है भैया? ओके ओके ओके। तो इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, उसका इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे साइड स्टैंड का भी इंडिकेटर आपको मिल जाता है, वो चेक करते हैं। तो जैसे मैंने साइड स्टैंड लगाया, यहाँ पे इंडिकेटर ऑन हो गया साइड स्टैंड का। दिस इज़ अ कूल फीचर। तो अब पहले स्टार्ट करते हैं और इसका थंब सुनते हैं। गाड़ी न्यूट्रल में, न्यूट्रल में है। दैट वाज द एग्जॉस्ट नॉट ऑफ द बाइक। एंड यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, पतले से। पीछे भी वही वैसे ही है, आगे भी आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं उसी तरह के। तो बेसिकली बाइक को थोड़ा सा क्लीन रखा गया है, बिल्कुल क्लासिक स्टाइल में बनाया गया है इसको। तो जो बेसिक बाइक में चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो हेडलैम्प की अगर बात कर लो, तो आपको हेडलैम्प में आपको LED लाइट्स मिल जाते हैं, लो बीम, हाई बीम। आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं, टेलीस्कोपिक, ABS ब्रेकिंग तो है ही, डुअल चैनल ABS मिल जाता है आपको इस बाइक पे। ये साइड व्यू मिरर्स है, ज़्यादा बड़े नहीं मिलते, छोटे हैं, डिसेंट है, बट आपको पीछे का व्यू मिल जाता है। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है हैंडल के कंपैरिजन में थोड़ा सा बाहर होना चाहिए था, तो थोड़ा सा और अच्छे से व्यू मिलता, बट हाँ आप चलाओगे तो आपको डिसेंट लगेंगे। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और ये काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। तो टैंक की अगर बात करें, तो होंडा की बैजिंग मिल जाती है, CB350 के स्टिकर्स मिल जाते हैं। टैंक है आपका 15 लीटर्स का, इसकी कैपेसिटी 15 लीटर्स की है। साउंड सुन सकते हो, बिल्कुल मजबूत टैंक है। आ जाते हैं टायर की तरफ। टायर की बात करें, तो टायर आपको मिलता है 19 इंचेस का यहाँ पे फ्रंट में, और अलॉय व्हील्स हैं। रियर में आपको मिलता है 17 इंचेस के MRF के जैपर टायर्स मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छी ग्रिप है। मैंने जब चलाया गाड़ी को, ग्रिप की तो कोई बात ही नहीं है। जब मैं गाड़ी चला रहा था अभी फिलहाल, तो मुझे मैंने काफ़ी गाड़ी को रेव किया, ज़्यादा स्पीड पे लेके गया, कम स्पीड पे लेके गया, गाड़ी कहीं भी रोड नहीं छोड़ती, ग्रिप बहुत ही अच्छी है गाड़ी की। इट्स टू गुड। RS और हाईनेस में यही डिफरेंस है कि इसमें आपको ये चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता, किसी भी मॉडल पे आपको चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता। आपको वही हाइनेस के दोनों वेरिएंट्स पे आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, तो आपको चार्जिंग पोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और इस बाइक में वो नहीं है, होनी चाहिए थी, बट मे बी आने वाले अपग्रेड्स में मिल जाए। तो बात करते हैं इंजन की। तो इंजन आपको मिल जाता है 350 cc का, और ये इंजन आपको एयर कूल्ड एंड ऑयल कूल्ड दोनों है, मतलब कॉम्बो। एंड अभी गाड़ी की हॉर्न थोड़ी सुन लेते हैं। ये गाड़ी की हॉर्न है, हॉर्न मुझे थोड़ी सी गाड़ी की
कम लगी एज़ कम्पेयर टू जो से कॉम्पिटिटर्स हैं बाइक्स के, उनकी हॉर्न और इसके हॉर्न में थोड़ी सी मुझे थोड़ा डिफरेंस लगा, बट एनीवेज इट्स नॉट अ मैटर, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ से चलते हैं, इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस। इस गाड़ी की सेटिंग पोस्चर स्पोर्टी है, थोड़ा सामने की तरफ झुक के बैठना पड़ता है। तो गाइज़ एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इस गाड़ी में आपको मिल जाता है स्लीपर क्लच, यानी कि आप अगर फिफ्थ गियर से डायरेक्टली थ्री गियर भी आते हो तो आपके आपका गियर जैम नहीं होगा, आपके गियर बॉक्स में कुछ इश्यूज़ नहीं आएंगे। सो दैट इज़ अ फीचर, दैट इज़ वन ऑफ द फीचर्स। एंड अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग टूवर्ड्स द शोरूम। गाड़ी अच्छी खासी कॉर्नर हो जाती है, मैंने काफ़ी लीन किया गाड़ी को। तो गाइज़ अब मैं आपको बता दूँ आपको ये गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए, आपको ये गाड़ी कम्फर्ट के लिए खरीदनी चाहिए, आपको ये गाड़ी और लॉन्ग राइड्स के लिए खरीदनी चाहिए। ऑलराइट गाइज, इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस। एंड बाइक आपको कैसे लगी अभी आप मुझे बताओ कमेंट करके। अगर आप झारखंड में कहीं भी हो और होंडा की बाइक लेना चाहते हो जो 300 cc से ऊपर हो, तो झारखंड में एक ही बिग विंग शोरूम है, वो है रांची में कोकर में, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं।